देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का। प्रश्न सातवा, आपको दिए ऋण 3/8 को ऐसी तुल्य परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश दिया है ऋण 6। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया है, अंश लाना है आपको ऋण 6। तो चलिए देखते हैं, आपको दिया है ऋण 3/8, तो ऐसी संख्या से गुणा करना है कि आपको अंश में क्या लाना है, ऋण 6 आना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा पड़ता, 3 × 3, 3 × 2 = 6, तो 2/2 से गुणा करेंगे हम, तो 3 × 2 = 6, तो ऋण 6 आपका आ गया, और 8 × 2 = 16, तो आपका अंश में ऋण 6 आ गया। इसी प्रकार हम तीसरा देखते हैं, तो तीसरा में आपको दिया है हर में लाना है आपको ऋण 24, आपको ऋण 24 लाना है, तो 3/8 करेंगे, तो हर में आपको आपको लाना है ऋण 24, तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, तो हमें ऋण 3/3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे लाना है ऋण 24 और 8 में ऋण नहीं लगा है, ऋण चिन्ह नहीं लगा है, तो हमें ऋण 3/3 का यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, तो 3 × 3 हो जाएगा 9, और यहाँ पे ऋण चिन्ह और ऋण चिन्ह क्या हो जाएगा, धन चिन्ह हो जाएगा, और 8 × 3 = 24, तो ऋण 24। इसी प्रकार आपको और दिए हुए हैं, दूसरा और चौथा आपको यह होमवर्क है। अब आठवां क्वेश्चन देखते हैं, ए का मान ज्ञात कीजिए यदि पहला दिया है 5/11 व ए बटा ऋण 33 तुल्य परिमेय संख्या हो, तो आपको ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, 5/11 दिया है आपको, और क्या दिया है, ए बटा ऋण 33 आपको ये दिया है, तो हम इसको लिख सकते 5/11 बराबर ए बटा ऋण 33। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, तो चलिए हम तिर्यक गुणा करते हैं, तो ये जो 11 है वो ऐसे तिर्यक गुणा ऐसे होता है, तो ये इधर हो जाएगा 11, ए हो जाएगा इधर आपका, और इधर हो जाएगा 5/ऋण 33, ऐसा हो जाएगा आपका, फिर बराबर यहाँ पे आएगा आपका ए, यहाँ पे आएगा 5/ऋण 33/11, तो यहाँ पे हम 11 × 11 = 33, तो ए बराबर आया 5/ऋण 3, तो 5 × 3 = 15, तो आया ऋण 15, ये आपका ए का मान निकल गया। इसी प्रकार और आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उसका मान आपको निकालना है, ए का मान दिया जैसे कि 2/3 व 8/ए, तो ए का मान हमें ऐसी तिर्यक गुणा करके आपको निकालना है, ये सब आपका होमवर्क है। थैंक यू।